हेलो गाइस, वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड प्रभात कुमार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पादप ऊतक के बारे में कि उनके कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभाज्योतिक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में यदि हम बात करें तो यह ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें बार बार सूत्रीय यानी मिटोसिस समसूत्रीय विभाजन करने की क्षमता होती है। यह ऊतक अवयस्क जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं छोटी अंडाकार या बहुभुजी होती हैं और इनकी भित्ति सेलुलोज की बनी रहती है। प्रत्येक कोशिका घने कणयुक्त कोशिका द्रव से भरी रहती है। इन कोशिकाओं में प्रायः एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिका के बीच अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। वहीं यदि हम बात करें तो स्थायी ऊतक के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में परमानेंट टिश्यू कहते हैं, तो विभाज्योतिकीय ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है लेकिन कोशिका का रूप एवं आकार निश्चित रहता है। ये मृत या सजीव होते हैं। कोशिका भित्ति पतली या मोटी होती है। कोशिका द्रव्य में बड़ी रसधानियाँ रहती हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्थायी ऊतकों को पुनः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है द्वितीयक। प्राथमिक स्थायी ऊतक शीर्षस्थ व अंतर्वेशीय विभाज्योतक के तथा द्वितीयक स्थायी ऊतक पार्श्वस्थ विभाज्योतक या कैम्बियम कोशिकाओं से बनता है। तो ये हो गए इसके प्रकार। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।